हम मौजूद हैं एमसीए स्टेडियम महाराष्ट्र पुणे के बाहर, और फैंस अगर आप देखें तो यहाँ पे इतने लगे हैं, और कुछ जर्सीज भी आ चुकी हैं भारत की। भारत और बांग्लादेश के बीच में कल काफी अहम मुकाबला है। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि बांग्लादेश ने अच्छी खासी चुनौती पेश की है भारतीय टीम को, लेकिन फैंस का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जो था पास की बात है, और रोहित और उनके लड़ाके तैयार हैं, और कल यहाँ पर एक बड़ी जीत भारतीय टीम को मिलेगी और 3-0 से 4-0 पहुंच जाएगी इस टूर्नामेंट में। तो फैंस से कुछ रिएक्शन देते हैं, चलिए आप बताइए कि क्या लगता है कल के मुकाबले में रिजल्ट क्या रहने वाला है। एक तो होम का एडवांटेज है, ऊपर से हमारे सभी प्लेयर्स फॉर्म में है, बॉलर बैटर्स और ऑलराउंडर सभी फॉर्म में है, तो मुझे तो लगता है कि शायद वन साइड मैच हो जाएगा और इंडिया जीत जाएगी। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि बांग्लादेश का अगर पलड़ा भारी रहा है, अगर पिछले चार मुकाबलों की बात करें तो 3 मैचेस बांग्लादेश ने जीते हैं, इंडिया को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है, तो क्या एक वो वजह बन सकती है टीम को परेशान करने वाली? जैसे हमने देखा कि अपने बैट्समैन और बॉलर दोनों ही फॉर्म में है, तो बुमराह अपना काम करेगा ही पहले ओवर में, और बाकी काम बैट्समैन अपने कर जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इंडिया जीत जाएगी। यहाँ पे बुमराह की काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग है भाई, ज़्यादा दूर नहीं है, मुंबई पास में है और मुंबई इंडियंस के लिए काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते रहते, लेकिन मुंबई इंडियंस की अगर हम बात करें तो भाई रोहित शर्मा ट्रेमेंडस फॉर्म में चल रहे हैं, एक शतक आ चुका है, 86 पिछले मुकाबले में आए, तो कल पुणे की पब्लिक क्या एक्सपेक्ट कर रही है? 200 एक्सपेक्ट तो 200 कर रही है जी, 100 प्लस। और अगर हम टोटल की बात करें तो क्या लगता है अगर इंडिया बैटिंग पहले करती है तो कितने रन आते हैं? 400 बनते हैं तो एटलीस्ट 3 प्लेयर्स को 100 करना पड़ेगा, तो वो कौन से 3 प्लेयर्स हो सकते हैं? रोहित शर्मा, किशन अगर खेलेगा, किशन और विराट कोहली। लेकिन शुभमन गिल पिछले मैच में आ गए थे पाकिस्तान के खिलाफ, और हालांकि उनको बहुत ज़्यादा रन उनके बैट से नहीं आए थे, लेकिन रिदम में लग रहे थे और आज भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस की है। अच्छा चलिए बात करते हैं एक और मुंबई इंडियंस के, आप मुंबई इंडियंस के लिए नहीं खेलते हैं लेकिन बहुत अच्छे कैप्टन हैं, फ्यूचर भारत के कैप्टन भी लग रहे हैं हार्दिक पांड्या, उनका क्या लगता है? हमारे हार्दिक पांड्या अच्छे ऑलराउंडर है, तो रन अच्छा बना सकते हैं। कितने बन सकते हैं उनके बल्ले से? 100 तो मारना चाहिए पुणे के स्टेडियम। अच्छा ये स्टेडियम की अगर हम बात करें तो काफी छोटा स्टेडियम है, रविंद्र जडेजा का बल्ला यहाँ काफी चलता है, 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी का जो मैच हुआ था वहाँ पे विराट, एबी डिविलियर्स सबको उन्होंने आउट किया था, तो गेंदबाजी में भी उनको काफी अच्छा यहाँ का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो कितना बड़ा फैक्टर बनने वाला है? एक बार आईपीएल में चेन्नई का होम ग्राउंड था पुणे, तो जडेजा जैसे चेन्नई से है तो उन्होंने खेला हुआ है यहाँ, तो उनको एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस यूज करके यहाँ अच्छा खेल सकते हैं। एडवांटेज अगर हम एक और दो और मुंबई के लड़कों की बात करें तो श्रेयस अय्यर और शार्दुल ठाकुर, लगता है कि भाई की टीम में उनको भी जगह मिलने वाली है, उनसे क्या उम्मीद है मुंबई की तरफ से? शार्दुल से तो अच्छी स्टार्ट करने की उम्मीद है और मिडिल ऑर्डर में श्रेयस श्रेयस ने कैसा है, अगर एक विकेट जाती है तो फिर स्टेबल रहना चाहिए, ज्यादा रिस्क ना लेते हुए पहले थोड़ा धीमा खेल के बाद में अच्छे से खेल सकते। अच्छा केएल राहुल की अगर हम बात करें, विकेट कीपिंग कैसी कर रहे हैं? काफी अच्छी इंप्रेसिव विकेट कीपिंग पिछले मैच में हां बहुत ही अच्छी की थी उनका, मतलब इंजरी थी लेकिन उन्होंने अच्छे से रिकवर किया। ये अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो 2019 का जो इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर था वो सेटल नहीं लग रहा था, अब तक जितने मैचेस खेले हैं क्या लगता है पहले से अच्छी लग रही है? पहले से अच्छी, श्रेयस भी फॉर्म में है, केएल भी फॉर्म में है, और विराट तो है, तो इससे मिडिल ऑर्डर तो अच्छी है पहले से। और इंडिया का बॉलर कौन सा है जो बांग्लादेश को परेशान कर सकता है? दो बॉलर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। क्या एक बात है बुमराह को जो एकदम अलग बनाती है सबसे? हाँ वो स्लो लोन का ब्लॉक नहीं चलता और वो यूर पर एकदम सटीक होती है, जिसकी वजह होती है इस कोई भी बैट्समैन जो मतलब टॉप रैंकिंग बैट्समैन है वो भी उन्हें पढ़ने से वो पढ़ नहीं पाते किस तरह से बॉल करने वाला क्या माइंड सेट चल रहा है, उसमें बैट्समैन कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से अपना वो विकेट खो देते हैं। आपका अगर हम ये बोर्ड देखें तो उसमें लिखा है वेटिंग डे 13 वेटिंग फॉर कोहली, थोड़ा सा बताइए इस बारे में। इस बारे में ये है कि मैं पहले क्रिकेट खेलते था तो किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से नहीं खेल पाया, तो बस एक ही ड्रीम है जिसको देखकर हमने क्रिकेट शुरू की, उससे एक बार मिल जाए तो हमारा वो ड्रीम पूरा हो जाए क्रिकेट खेलने का। तो अब मेरा 13वां दिन चल रहा है, मैं चेन्नई से मैंने स्टार्ट की था जर्नी, फिर चेन्नई से दिल्ली, फिर दिल्ली से अहमदाबाद, अब अहमदाबाद से मैं यहीं आ रहा हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ।
ओके, तो चलिए भाई उम्मीद करते हैं विराट कोहली इनका जो वेट है वो डे 13 से डे 15 या डे 16 में पूरा हो जाए। और हालांकि यहां से टीम इंडिया धर्मशाला मूव करेगी, तो अगर नहीं होगा तो फिर थोड़ा इनका स्टे जो है वो और लंबा हो जाएगा, वेट लंबी हो जाएगी। लेकिन पुणे की पब्लिक की अगर हम बात करें तो सबको लग रहा है कि अगर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का इस मैदान पर मौका मिला तो एक बड़ा टोटल लगा सकती है टीम इंडिया और एक बड़ी जीत एक बार फिर से मिल जाएगी भारतीय टीम को और 4-0 से इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम आगे हो जाएगी। पुणे से अविनाश शर्मा, वन इंडिया।